सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या MP बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपके NCERT में ये चैप्टर नंबर 5 के नाम से है। और इस चैप्टर का हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, राइट। तो हमने जेनेटिक कोड का जो बेसिक था कि भाई जेनेटिक कोड जो है इसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, डीजनरेसी क्या होती है, डीजनरेट क्या होता है, राइट, कॉमा फ्री क्या होता है, यूनिवर्सल क्या है, ये सारी चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले फटाफट वो वीडियो कंप्लीट कीजिए, और उस वीडियो से जो भी है जितना भी मैंने पढ़ा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद कंटिन्यूएशन में आप ये वीडियो देखना और इसके नोट्स बनाना, राइट। प्लीज़ मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ स्क्रीनशॉट, आप तुरंत तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो होते हैं उससे कभी पढ़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया, आपने कुछ चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया, वो बीच में आ गया, तो एक कंटिन्यूएशन नहीं रह पाता, राइट। तो वो कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा तो आपके प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे, जो कि आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, राइट। तो प्लीज़ आप पहले प्रॉपर नोट्स बनाइए हर एक चैप्टर के, और शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसके थ्रू आप लास्ट में रिवीजन करने वाले, तो साथ में ही बनने चाहिए आपके, राइट। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना वो तो आपको पता ही है, कैसे लगाना अटेंडेंस, वीडियो को लाइक करके, और वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों को और पड़ोसियों को वीडियो शेयर करिए। चलिए भाई तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या बोल रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। ओके, चलिए चलिए तो म्यूटेशन की स्टडी कर लेते हैं हम। तो हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था, जो कि था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हमने म्यूटेशन पढ़ा था, राइट। तो मैंने वहाँ म्यूटेशन पढ़ाया था, और मैंने बोला था और अच्छे से म्यूटेशन में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपको न्यूक्लियोटाइड के सिक्वेंस के बारे में, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, जो कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती थी आपके लिए। इसलिए मैंने बोला पहले अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में हम म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पर हम अच्छे से म्यूटेशन पढ़ेंगे। तो म्यूटेशन के बारे में आप क्या जानते हो, हमने वहां पर भी पढ़ा है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि म्यूटेशन जो है क्या है, चेंज इन जीन और क्रोमोसोम, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, राइट। और ये जो म्यूटेशन होता है ये कैसा होता है, सडन। म्यूटेशन का मतलब क्या है, सडन चेंज, आपको बोलेगा नहीं वो पहले से ही, ये क्या है, सडन चेंज है, क्या है, सडन चेंज है, राइट। तो म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज, क्लियर है। उसके बाद मैं बात करूं कि यहां पर क्या करते हैं, डिसकंटीन्यूअस चेंज, डिसकॉन्टिन्यूअस चेंज इन जीनोटाइप एंड फीनोटाइप, क्या होता है म्यूटेशन में, डिसकॉन्टिन्यूअस चेंज इन जीनोटाइप एंड फीनोटाइप, राइट। और एक पॉइंट याद रखना है आपको, क्या पॉइंट याद रखना है, कि यहां पर जो म्यूटेशन होता है इस, ये चीज प्रूव कर रहा है कि DNA ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इट ऑल्सो सजेस्ट
that DNA is a genetic material. DNA क्या है? Genetic material है. क्या है DNA? Genetic material है. Right? इतना clear हुआ या नहीं? जल्दी बताइए. उसके बाद it also, ठीक है, यही हमें पता चलता है कि it also mutation also leads to variation. और variation का मतलब क्या होता है? Change. क्या होता है variation का मतलब? Change. Right? तो म्यूटेशन की वजह से क्या आता है? चेंज आता है. म्यूटेशन की वजह से क्या आता है? चेंज आता है. राइट? तो सारे के सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए. ओके, चलिए आगे बढ़े. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि म्यूटेशन तीन टाइप के होते हैं. जीन म्यूटेशन, फिर हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल एवरेशन, एंड लास्ट वन क्या था हमारा? जीनोमैटिक म्यूटेशन. क्या था? जीनोमैटिक म्यूटेशन. तो क्या डिफरेंसेस है इनमें, है ना? देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. क्या देखने वाले हैं हम? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. राइट, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में पहला जो है वो क्या है हमारा? जीन म्यूटेशन. क्या है? जीन म्यूटेशन. और जीन म्यूटेशन क्या होता है? जीन म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन जीन, सीक्वेंस इन जीन. इसे हम क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन. नेक्स्ट म्यूटेशन है हमारा क्रोमोसोमल एवरेशन. क्या है? क्रोमोसोमल एवरेशन. राइट, तो क्रोमोसोमल एवरेशन जो है ये क्या बताता है? चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. क्या बताता है? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. राइट, लास्ट टाइप जो है हमारा वो क्या है? जीनोमैटिक म्यूटेशन. क्या है? जीनोमैटिक म्यूटेशन. तो लास्ट टाइप है हमारा जीनोमैटिक म्यूटेशन. जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. राइट, तो क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज आ रहा है तो वो किस टाइप का म्यूटेशन हो जाएगा? जीनोमैटिक म्यूटेशन. अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो वो जो हो जाएगा आपका क्रोमोसोमल एवरेशन. अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है तो उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन. राइट, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक म्यूटेशन के टाइप को डिटेल में स्टडी करेंगे. राइट, चलिए आई होप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम चलते हैं एक एक की तरफ. तो पहले हम देखेंगे जीन म्यूटेशन, कि जीन में म्यूटेशन किस किस टाइप से हो सकता है, कैसे, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से जीन में म्यूटेशन हो सकता है. तो देखिए, देखते हैं, आप बताइए क्या क्या कारण हो सकता है जीन में म्यूटेशन होने के. जल्दी बताइए, सोचिए जल्दी. चलिए तो देख लेते हैं.
आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जीन म्यूटेशन की. किसकी बात कर रहे हैं? जीन म्यूटेशन, राइट. चलिए, तो पहला जीन म्यूटेशन जो है किस वजह से हो सकता है, किस कारण से जीन म्यूटेशन हो सकता है? किसी चीज का एडिशन होना, जिसे हम क्या बोलेंगे? इंसर्शन, राइट. तो अगर यहां पर न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, जल्दी बताइए, इंसर्शन क्या हो सकता है? इंसर्शन. तो इंसर्शन की वजह से जो म्यूटेशन होगा वो क्या कहलाएगा? जीन म्यूटेशन. अब देखिए, मैं एक सीक्वेंस बना रही हूं, ओके, जैसे कि ए यू जी ए यू सी ए यू सी ए यू सी, राइट. तो यहां पर हमारे पास ये एक सीक्वेंस हो गया. किसका? जल्दी बताइए, न्यूक्लियोटाइड का. अब हुआ क्या, यहां पर इस प्लेस पर क्या हुआ? एडिशन हो गया. किसका? डबल ए का. किसका एडिशन हो गया? डबल ए का, राइट. तो अब जो म्यूटेशन हुआ है, अब जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? ए यू जी डबल ए और एक ये हो गया यू सी ए यू सी ए यू सी, राइट. तो यहां पर ये क्या हुआ है? म्यूटेशन. कैसे म्यूटेशन हुआ? यहां पर एडिशन हुआ. किसका? न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर का. इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब हुआ क्या, देखिए, यहां पर पूरा जो चेंज ही हो गया. यहां पर ए यू जी, यहां पर ए यू जी ए यू सी था, अब यहां पर क्या आ गया? ट्रिपल ए आ गया. तो ये पूरा चेंज हुआ कि नहीं? इस टाइप की म्यूटेशन को हमने क्या बोला है? जीन म्यूटेशन. तो एक जो जीन म्यूटेशन का कारण है वो तो इंसर्शन हो गया. दूसरा कारण जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका डिलीशन. क्या बनेगा? डिलीशन. तो यहां पर दूसरा कारण जो है म्यूटेशन का वो है डिलीशन. तो यहां पर हम डिलीट कर देते हैं कुछ पार्ट को. जैसे कि मैं इसी को ले लेती हूं, एक बार ये ले लिया मैंने, क्या था? ए यू जी ए यू सी ए यू सी ए यू सी, राइट. अब मैंने क्या किया भाई, यहां से इसको हटा दिया, ए यू को हटा दिया, है ना. ए यू को मैंने निकाल दिया. तो अब जो यहां पर मुझे सीक्वेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए ए यू जी सी ए यू सी ए यू सी, राइट. क्या है? ए यू जी, उसके बाद ए यू हटा दिया, सी ए सी ए यू सी यू सी ए यू सी ए यू सी, राइट. तो इस टाइप के जीन म्यूटेशन को हम क्या बोला? डिलीशन से ये जीन म्यूटेशन हुआ, राइट. अब लास्ट टाइप का जो जीन म्यूटेशन का कारण है वो हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन. क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा देखते हैं. क्या कारण है आपका यहां पर? सब्स्टिट्यूशन. क्या है? सब्स्टिट्यूशन. ओके, सब्स्टिट्यूशन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है. कैसे हो सकता है? दो प्रकार से. पहला है ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्जन. क्या है? ट्रांसवर्जन, राइट. तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन से क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है. और उस म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे? जीन म्यूटेशन. क्या बोलेंगे? जीन म्यूटेशन. तो कैसे होगा देखिए, यहां पर क्या होगा ट्रांजिशन में? क्या होगा? एक प्रकार के प्यूरिन जो है वो चेंज हो जाता है दूसरे प्रकार के प्यूरिन में, राइट. जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर क्या है? एडेनिन है. क्या है? एडेनिन. एडेनिन चेंज हो गया ग्वानिन से. तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन का ट्रांजिशन म्यूटेशन, राइट. वहीं पर दूसरा क्या हो सकता है? पिरिमिडिन से पिरिमिडिन चेंज हो जाए. पिरिमिडिन से पिरिमिडिन चेंज हो जाए, राइट. जैसे कि मैं बात करूं कि यहां पर क्या है? यहां पर था आपका यूरेसिल. क्या था? यूरेसिल.
और यूरेसिल चेंज हो गया किसमें, साइटोसिन में, राइट। तो ये जो म्यूटेशन है आपको, ये कौन सा कहलाएगा आपका, जल्दी बताइए, ये कहलाएगा आपका ट्रांजिशन। क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन, राइट। तो यहां पर देखिए एजी जो है प्यूरिन डेरिवेटिव है, वहीं पर सी और टी जो होता है ना, वो क्या होता है आपके पिरिमिडिन डेरिवेटिव, बट यहां पर हम टी ना लेके क्या लेंगे, यूरेसिल, ओके। वहीं पर ट्रांसवर्जन जो है उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्जन में होगा आपका प्यूरिन जो है वो चेंज हो जाएगा किससे, पिरिमिडिन से, किससे, पिरिमिडिन से। आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जल्दी बताइए कौन सा एग्जाम्पल दिया है, जी ए जी, जी ए जी, राइट। तो जी ए जी जो है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है किसमें, जल्दी बताइए, जी ए जी जो है वो चेंज होगा किसमें, जी यू जी में, किसमें, जी यू जी। तो यहां पर देखिए एडेनिन की जगह कौन आ गया, यूरेसिल, राइट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वेलिन। तो यहां पर देखिए प्यूरिन के जगह क्या आ गया, पिरिमिडिन। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, ट्रांसवर्जन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इंसर्शन, एक पॉइंट लिखना है, इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मोर देन वन वन या मोर न्यूक्लियोटाइड but not the multiple of 3 can changes, क्या करता है ये, changes entire reading frame from that point of insertion or deletion। तो जहां insertion या deletion हुआ है वहां से जो reading frame है वो change हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, अभी हमने बात किया था कि A U G है, क्या है, A U G, फिर आ गया A U C, A U C, ठीक है, क्या है, A U C, A U C, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पर इंसर्शन किया, इस पॉइंट पे इंसर्शन हुआ है किसका, डबल A का, किसका, डबल A का। तो अब जो फ्रेम बनेगा, रीडिंग फ्रेम बनेगा, वो क्या बनेगा, A U G, A U C, A U G, A U C, डबल A, डबल A हो गया। उसके बाद क्या होगा, A U C, A U C। तो देखिए यहां तक A U G, A U, A U C, यहां तक तो जो रीडिंग फ्रेम है बिल्कुल सेम है, बट इस पॉइंट से यहां पर क्या है, ए यू सी, यहां पर क्या आ गया, ट्रिपल ए। तो यहां इस पॉइंट से रीडिंग फ्रेम क्या हो गया, चेंज, इस पॉइंट से रीडिंग फ्रेम जो है वो क्या हो गया, चेंज,
रीडिंग फ्रेम चेंज, राइट। इस पॉइंट से क्या हो गया, रीडिंग फ्रेम जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जीन म्यूटेशन के अंदर हम पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्या पढ़ते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, जीन म्यूटेशन के अंदर ही हम पढ़ते हैं, देखिए एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक ग्रॉस म्यूटेशन होता है, राइट। तो हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन, क्या पढ़ेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है यहां पर चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आपका पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, राइट। जैसे कि हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, आपके एनसीईआरटी बोलती है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में जो म्यूटेशन देखने को मिलता है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन, क्या हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। कैसे पॉइंट म्यूटेशन, देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, यहां पर जो जीएजी होता है, जीएजी, ठीक है, वो चेंज हो जाता है किससे, जीयूजी से। मतलब यहां पर एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो कुछ पॉइंट याद रखना है। देखिए क्या पॉइंट है, डिलीशन और इंसर्शन, जो डिलीशन और इंसर्शन है वो क्या करता है, चेंज कर देता है पूरा क्या, आपका रीडिंग फ्रेम, ठीक है। डिलीशन और इंसर्शन चेंजेस रीडिंग फ्रेम, राइट, क्या करता है, रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देता है, राइट। अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे रीडिंग फ्रेम पूरा चेंज होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट्स इन द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो अ फंक्शन, राइट। तो लार्ज डिलीशन और रीअरेंजमेंट मतलब इंसर्शन जो है किसमें, डीएनए के सेगमेंट में, आर इजिली कॉम्प्रीहेंड इट मे रिजल्ट लॉस और गेन ऑफ जीन, इसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी जीन का या तो लॉस हो सकता है, अगर इंसर्शन हुआ है तो किसी जीन का गेन हो सकता है, राइट, और अगर लॉस हुआ है तो वो जीन की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी, और अगर कोई जीन ऐड हुआ है तो उस जीन की प्रॉपर्टी जो है वो ह्यूमन में ऐड हो जाएगी, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ तो। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर, राइट। तो यहां पर पॉइंट म्यूटेशन का इफेक्ट को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जो कि है सिकल सेल एनीमिया, क्या है, सिकल सेल एनीमिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज इन सिंगल बेस पेयर। तो यहां पर पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है, चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज पढ़ा था, तो वहां ये चीज हमने पढ़ ली थी।
अब देखिए, इट रिजल्ट इनटू डिजीज्ड कंडीशन कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। इस म्यूटेशन की वजह से, इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर जो ह्यूमन है उसमें एक डिजीज कॉज हो जाती है जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया, राइट। तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट्स और डिलीट्स अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग सैंपल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट म्यूटेशन के इंसर्शन और डिलीशन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं किसमें, स्ट्रक्चरल जीन में, वो आपको काफी इजिली यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग बर्ड्स ईच हैविंग थ्री लेटर्स लाइक जेनेटिक कोड। चलिए, तो हमने जेनेटिक कोड के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लास्ट हमारी वीडियो में, लास्ट क्लास में। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक आपको ऊपर सेंटेंस बनाया गया है, राम हैज रेड कैप। ओके, राम हैज रेड कैप, राइट। और यहां पर हमने पढ़ा है कि इसे हम क्या बोलते हैं, जो तीन के पेयर में होता है उसे हम कोडॉन कहते हैं, और इसे हम कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ते हैं, है ना, कॉमा फ्री होता है ये। तो इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज, ओके, इनका मतलब है इन बिटवीन हैज हमने क्या किया है, बी लेटर को इंसर्ट कर दिया, मतलब यहां इंसर्ट कर दिया, ये इंसर्ट हो गया बिटवीन हैज एंड रेड, एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट इट वुड रीड अ फॉलोज। अभी हम क्या रीड कर रहे थे, राम हैज रेड कैप, और हम तीन तीन का ही क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, राइट। तो हम ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड करते हैं। अब मैं यहां पर क्या हुआ, राम हैज ब्री डी कै और पी, राइट। तो यहां पर अब जो मेरा रीडिंग फ्रेम बना वो क्या बना, राम हैज ब्री डी कै पी, राइट। तो मतलब यहां पर इंसर्शन की वजह से, एक सिंगल बेस पेयर के इंसर्शन की वजह से मेरा रीडिंग फ्रेम जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, राइट। यहां पर फ्रेम शिफ्ट हुआ है, ओके। अब देखिए, सिमिलरली वी नाउ इंसर्ट टू लेटर्स एट द सेम प्लेस से बी आई। अब मैंने क्या करा, राम हैज रेड कैप में यहां हैज और रेड के बीच में दो लेटर को क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया। तो अब कर देते हम, राम हैज बी आर ई, है ना, नहीं बी आई आर है ना, बी आई आर, उसके बाद क्या आएगा, ई डी सी और ए पी, राइट। अब जब मैंने यहां पर दो लेटर को इंसर्ट किया है तो जो मेरा रीडिंग फ्रेम बना वो क्या बना, राम हैज बिर ई डी सी के ए पी, राइट। तो यहां पर भी मेरा जो फ्रेम है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, फ्रेम भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ओके। अब देखिए, नाउ वी इंसर्ट थ्री लेटर्स। अब मैं क्या करूंगी, तीन लेटर्स को यहां पर इंसर्ट करूंगी, से बिग। अब मैंने बिग को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। द स्टेटमेंट वुड रीड, अब मैं जो स्टेटमेंट बनाऊंगी वो क्या हो जाएगा, राम हैज बिग रेड कैप। अब क्या हो जाएगा, राम हैज बिग रेड कैप। तो यहां पर इस शिफ्ट की वजह से फ्रेम में इतना कुछ चेंज नहीं आया। हाँ, एक यहां पर नया एडिशन हुआ है किसका, कोडॉन का, जो कि एक पर्टिकुलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट यहां पर किसमें चेंज नहीं हुआ, यहां पर फिर से रिगेन कर लिया किसको, फ्रेम को, राइट। तो यहां पर फिर से रिगेन हो गया आपका क्या, फ्रेम। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, पॉइंट म्यूटेशन का, ओके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए तो आगे बढ़े क्या। अब देखिए, नेक्स्ट टाइप का हम म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं जो कि है क्रोमोजोमल एवरेशन। क्या है, क्रोमोजोमल एवरेशन, राइट। चलिए,
तो देख लेते हैं क्रोमोसोमल एवरेशन के बारे में. क्या था क्रोमोसोमल एवरेशन, जल्दी बताइए. क्रोमोसोमल एवरेशन क्या था? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एवरेशन. तो यहाँ पर हम क्रोमोसोमल एवरेशन की बात करते हैं. राइट, चलिए. तो पहला जो है क्रोमोसोमल एवरेशन किसकी वजह से हो सकता है? इंसर्शन की वजह से. किसकी वजह से हो सकता है भाई लोग, जल्दी बता दो. इंसर्शन, राइट. किसकी वजह से? इंसर्शन की वजह से. इंसर्शन का मतलब क्या होता है मैम? तो देखिए, यहां पर ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया. क्या बनाया? क्रोमोसोम. ये उसका सेंट्रोमेयर है, ये उसकी, एक मिनट, ये क्रोमोसोम है, राइट. इसकी ये जो आर्म्स दिख रही है आपको, यहां पर क्या प्रेजेंट है? बोलते हैं ना, लोकाय होती है जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स. तो मैंने बोल दिया ए बी सी डी ई, यहां पर जीन प्रेजेंट है. एफ जी एच आई और जे, राइट. तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये जीन्स प्रेजेंट है. अब हुआ क्या? इंसर्शन हुआ. किसका इंसर्शन हुआ, जल्दी बताइए. मैंने इंसर्शन कर दिया. यहां पर देखिए और क्या आ गया यहां पर, जैसे कि मैं बात करूं, यहां आ गया अपना स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है. या मैं बात करूं, कोई दूसरा ही आ गया, है ना, डब्ल्यू एक्स वाई. डब्ल्यू एक्स वाई ले लूं, डब्ल्यू एक्स वाई, राइट. उसके अलावा यहां पर ए बी सी, ए बी सी डी और ई, ये तो है ही है, है ना. जो पहले थे वो तो होंगे ही. उसके अलावा यहां पर दूसरे क्या आ गए हैं, जल्दी बताइए. यहां पर दूसरे, यहां पर क्या आ गए हैं? जीन्स आ गए हैं, या मैं बोलूं सीक्वेंस आ गया. क्या आ गया? सीक्वेंस आ गया. तो इसे हमने क्या बोला है? इंसर्शन, है ना. यहां पर कुछ चीज ऐड हो गई, किसमें? क्रोमोसोम में, राइट. इसे हमने क्या बोला? इंसर्शन. या मैं बात कर लूं कि एक्स वाई आ गया यहां पर, ये एक्स आ गया वाई, उसके बाद ए बी सी डी और ई, राइट. और यहां पर एफ जी एच आई और जे, राइट. तो यहां पर क्या हुआ? एडिशन हुआ. एडिशन की वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया. तो इस प्रकार की म्यूटेशन को हमने क्या बोला? क्रोमोसोमल म्यूटेशन. तो इंसर्शन की वजह से हो गया. अब हम डिलीशन की वजह से देख लेते हैं. किसकी वजह से? डिलीशन. तो देखिए, डिलीशन में क्या हुआ? ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम है, राइट. इस क्रोमोसोम में यहां पर ए बी सी और डी प्रेजेंट है, और यहां पर ई एफ जी और एच प्रेजेंट है, राइट. प्रेजेंट है या नहीं, जल्दी बताइए. तो देखिए अब क्या हुआ यहां पर, यहां से इस क्रोमोसोम से कौन सा पार्ट हट गया, जल्दी बताइए. इस क्रोमोसोम से यहां पर ये वाला पार्ट हट गया. ये वाला पार्ट क्या हो गया? हट गया. तो यहां पर अब क्या प्रेजेंट है? सी और डी. क्या प्रेजेंट है? सी और डी. और यहां पर ई एफ जी और एच प्रेजेंट है, राइट. तो इसके वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया. तो इस टाइप के क्रोमोसोमल एवरेशन जो है किस प्रकार क्यों हुआ है? डिलीशन की वजह से. किसके वजह से हुआ? डिलीशन की वजह से. अब नेक्स्ट होता है ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट जो कारण है वो क्या हो जाएगा? ट्रांस लोकेशन. क्या हो जाएगा? ट्रांस लोकेशन. अब ये ट्रांस लोकेशन जो है इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या हो रहा है? ट्रांस लोकेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ
जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, राइट. अब ये है, दो तरीके से हो सकता है. एक हो सकता है रेसिप्रोकल. क्या हो सकता है? रेसिप्रोकल, राइट. और दूसरा टाइप जो है वो क्या हो जाएगा? रॉबर्टसोनियन. क्या हो जाएगा? रॉबर्टसोनियन. सुना होगा रॉबर्टसोनियन, वही नाम तो सुना ही होगा ना, रॉबर्टसोनियन. रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब है यहाँ पर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में, किसके बीच में? नॉन, ये जैसे कि मैं बात करूं, ये हायर क्लास में पढ़ाया जाता है, राइट. तो यहां पर ये क्रोमोजोम है, मैं मान लेती हूं ये कौन सा है? क्रोमोजोम नंबर 9 है. क्या है? क्रोमोजोम नंबर 9. दूसरा है क्रोमोजोम नंबर, ये हो गया आपका क्रोमोजोम नंबर 22. क्या हो गया? क्रोमोजोम नंबर 22. तो क्रोमोजोम नंबर 9 और 20 के बीच में, 22 के बीच में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल, जो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. इसकी वजह से, इस म्यूटेशन की वजह से होता है ब्लड कैंसर. क्या होता है? ब्लड कैंसर, राइट. दूसरा जो टाइप है वो क्या हो जाएगा? रॉबर्टसोनियन. क्या हो जाएगा? रॉबर्टसोनियन. तो रॉबर्टसोनियन में होता क्या है? जो आर्म्स होती है क्रोमोजोम की, जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या है? क्रोमोजोम की आर्म है. मैं मान लेती हूँ ये क्रोमोजोम नंबर 1 है. क्या है? क्रोमोजोम नंबर 1, राइट. वहीं पर मैं मान लेती हूँ दूसरा क्रोमोजोम, ये हो गया क्रोमोजोम नंबर 2. दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम हो गए. क्या हो गए? नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम. तो यहां पर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के आर्म्स में एक्सचेंज हो जाए. जैसे कि इसकी ये मैं मान लूं, ये एक आर्म है, ये ए आर्म है और ये बी आर्म है, राइट. यहां पर इसकी ये ए आर्म है और ये बी आर्म है, राइट. तो यहां पर क्या हो जाए? आर्म्स में चेंजेस हो जाए. क्या हो जाए? आर्म्स में चेंजेस हो जाए. जैसे कि ये है और यहां से ये यहां पर पहुंच जाए, राइट. पूरी आर्म शिफ्ट हो जाए. क्या हो जाए? आर्म शिफ्ट हो जाए. और सेम यहां पर हो गया, जैसे कि ये इसकी आर्म है और नीचे वाली आर्म यहां पर शिफ्ट हो गई. तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हमने क्या बोल दिया? रॉबर्टसोनियन. क्या बोल दिया? रॉबर्टसोनियन, राइट. इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए. अब हम चलते हैं लास्ट टाइप में, दैट इज इनवर्जन. क्या होता है? इनवर्जन. तो इनवर्जन में क्या होता है? इनवर्जन का मतलब है यहां पर चेंज हो जाता है 180 डिग्री से, राइट. तो नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या हो जाएगा? इनवर्जन. क्या हो जाएगा? इनवर्जन. ये पैरासेंट्रिक होता है और पेरिसेंट्रिक होता है. इनवर्जन जो है वो क्या होता है? पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक. तो यहां पर होता है चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विथ 180 डिग्री, विथ 180 डिग्री, 180 डिग्री के साथ यहां पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल में क्या हो जाता है? चेंज, है ना. चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विद 180 डिग्री. और ये जीन में ही हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है. तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? दो कंडीशन, एक होता है पैरासेंट्रिक और दूसरा होता है पेरिसेंट्रिक. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक क्या होता है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप. क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए. ये सबसे कॉमन टाइप का होता है, ठीक है. किसमें सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है ये? तो यहां पर ये मोस्ट
मोस्ट कॉमन इन ड्रोसोफिला when exposed with X-rays. तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि ये क्या है, जल्दी बताइए. एक्सरेज जो है कार्सिनोजन है, ये म्यूटेशन कॉज करा सकती है, कैंसर कॉज करा सकती है. जब हम ड्रोसोफिला को एक्सपोज करते हैं एक्सरेज में, तो यहाँ पर म्यूटेशन होता है. कौन सा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एवेरेशन. और उसमें भी कौन सा टाइप? इन्वर्जन. कौन सा? इन्वर्जन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोमल एवेरेशन म्यूटेशन. क्लियर है इतना? चलिए, तो इन्वर्जन दो प्रकार से हो सकता है, देखते हैं. देखिए, इन्वर्जन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है. इन्वर्जन जो है वो कितने प्रकार से हो सकता है? इन्वर्जन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है. पहला जो टाइप है वो क्या हो जाएगा? पैरासेंट्रिक. क्या हो जाएगा? पैरासेंट्रिक. और दूसरा जो टाइप है वो कौन सा हो जाएगा? पेरीसेंट्रिक. कौन सा हो जाएगा? पेरीसेंट्रिक. पैरासेंट्रिक का मतलब क्या होता है? पैरासेंट्रिक का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर ये क्या है? क्रोमोसोम है. क्या है? क्रोमोसोम, राइट. यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ, ये ए हो गया, बी, सी, डी, ई, राइट. यहाँ एफ, जी, एच, आई, जे, राइट. एक मिनट, तो ये हो गया ए, बी, सी और डी. यहाँ पर एफ, जी, एच और आई, राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर एक्सचेंज हो जाए, 180 डिग्री से हो रहा है ना, ये यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँच गया. तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम इन्वर्जन बोलेंगे. और इन्वर्जन के अंदर भी कौन सा है? ये पैरासेंट्रिक. कौन सा हो जाएगा? पैरासेंट्रिक. तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जल्दी बताइए. ऊपर क्या आ जाएगा? बी. क्या आ जाएगा? बी. नीचे ए, फिर सी और डी. यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ. ऐसा नहीं है कि दोनों जगह होगा, एक जगह होगा, ठीक है, एक जगह भी हो सकता है, दोनों जगह भी हो सकता है. एच और आई. तो ये जो म्यूटेशन है इसे हम क्या बोलेंगे? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. वहीं पर देखिए, ये यहां देखिए, यहां देखिए जरा गौर से, ये ए हो गया, बी, सी और डी, राइट. यहाँ ई, एफ, ये ई, अच्छा यहाँ ये ई था ना, ई, एफ, ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी. क्या गड़बड़ की है वो आप समझ जाएंगे. कंटिन्यूएशन में लिख रहे थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. ये क्या हो गया? ई, राइट, एफ, जी और एच, राइट. तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जल्दी बताइए, यहाँ हमने क्या कर दिया? 180 डिग्री से म्यूटेशन करा दिया. क्या करा दिया? 180 डिग्री से म्यूटेशन करा दिया. तो इसे हमने क्या कहा, जल्दी बताइए? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. क्या कहा? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. तो हुआ क्या, बी के प्लेस पर ए आ गया और ए की प्लेस पर बी आ गया, बाकी जो सीक्वेंस है सेम रहा, राइट. यहाँ ई के प्लेस पर एफ आ गया और एफ की प्लेस पर ई आ गया.
और ये बिल्कुल सेम रहा, राइट। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका पैरासेंट्रिक। वहीं पर पेरिसेंट्रिक में क्या हुआ देखिए, पेरिसेंट्रिक में क्या हुआ, ये है ए बी सी और डी, यहाँ ई एफ जी और ये एच, राइट। तो यहां देखिए हो तो रहा है 180 डिग्री से ही, बट दो अलग अलग आर्म्स में। यहां पर देखिए ये हो गया एक्सचेंज, ठीक है। तो होगा क्या जल्दी बताइए, डी के जगह पर ई आएगा, ई के जगह पर डी आ जाएगा। तो यहां पर ये अपर आर्म जो है इसमें क्या आ जाएगा आप जल्दी बता दीजिए, अपर आर्म में आपका आ जाएगा ये ए ही रहेगा, बी सी और डी के जगह पर क्या आ जाएगा ई, और ई के जगह पर चला गया डी, राइट। फिर एफ जी और एच बाकी सेम रहेगा, राइट। तो इन्वर्जन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है, दो अलग आर्म्स में हो सकता है या सिंगल आर्म के बीच में यहां पर क्या हो सकता है जीन का, या हम बात करें सीक्वेंस में क्या हो जाए चेंज हो जाए, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा बचा है लास्ट टाइप का म्यूटेशन, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको जल्दी बताइए, जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं, क्या होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टाइप है जो वो है हमारा जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्या है जीनोमैटिक म्यूटेशन, राइट। चलिए भाई जीनोमैटिक म्यूटेशन हम देख लेते हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन जो है वो दो टाइप से होता है, दो प्रकार है इसके। पहला है एन्यूप्लॉयडी, क्या है एन्यूप्लॉयडी, क्या है एन्यूप्लॉयडी, और दूसरा टाइप है पॉलीप्लॉयडी, क्या है पॉलीप्लॉयडी। राइट, एन्यूप्लॉयडी का मतलब क्या है, एन्यूप्लॉयडी का मतलब है एनाफेज, फेलियर ऑफ एनाफेज, फेलियर ऑफ एनाफेज, राइट। वहीं पर पॉलीप्लॉयडी का मतलब है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, यहां पर साइटोकाइनेसिस जो है वो फेल हो जाती है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस की वजह से जो होगा वो क्या होगा पॉलीप्लॉयडी, राइट। अब देखिए क्या होता है, हमें पता है सेल डिवीजन में जब एनाफेज में आता है तो क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन होता है, राइट। बट पॉली एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट नहीं हो पाती एनाफेज में, और इसके वजह से या तो एक जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो सॉरी आपके क्रोमोसोम का गेन हो सकता है या क्रोमोसोम का लॉस हो सकता है। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन में भी एन्यूप्लॉयडी, राइट। तो देखिए क्या होता है एन्यूप्लॉयडी, यहां पर क्या होता है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन of sister chromatids, of sister chromatids during anaphase, during anaphase of cell cycle, right, which results, इसकी वजह से क्या होगा विच रिजल्ट्स इन लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पर क्या होता है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, यहां क्या होता है फेलियर ऑफ ऑफ साइटो
काइनेसिस, यहाँ पर क्या हुआ, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, आफ्टर टीलोफेज, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज, यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोजोम, इंक्रीज होल, क्या, इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोजोम, राइट। तो यहां पर एक सेल के अंदर क्रोमोजोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल, राइट। तो जल्दी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर होगा, कोई परेशानी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी होगी आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, राम हैज बिग रेड कैप, द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर्स। अभी हमने एडिशन करा, मतलब इंसर्शन किया, अब हम डिलीशन भी कर सकते हैं। तो देखिए, द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर्स आर ई एंड डी। तो आर एंड, जो आर है, ई है, डी है, मतलब ये वाला, यहां पर तो हमने क्या किया, एडिशन किया, अब हम डिलीशन भी कर सकते हैं, वन बाय वन, एक एक करके करना है, ठीक है। एंड रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट टू मेक ट्रिपलेट वर्ड, अब हमने ट्रिपलेट वर्ड बना दिया, किसको, डिलीट करके एक एक वर्ड को। तो यहां पर राम हैज बिग कैप था, क्या था, राम हैज बिग कैप, या हमने बोला जो हमारा सबसे पहला था वो क्या था, राम हैज रेड कैप, यही था ना, राम हैज रेड कैप। तो यहां पर क्या है, एक एक करके डिलीट कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या डिलीट किया है, यहां पर देखिए, इन्होंने डिलीट किया है आर, क्या डिलीट किया, आर। तो आर को डिलीट करने से जो सीक्वेंस चेंज हुआ है, फ्रेम शिफ्ट हुआ है, वो क्या हो गया, राम, आर को डिलीट किया है ना, हैज ई डी सी ए पी, राइट, क्या हो गया, ई डी सी ए पी। फिर हमने एक बार और डिलीट किया, अब हमने ई को भी डिलीट कर दिया, किसको डिलीट कर दिया, ई को। तो अब क्या बन जाएगा, राम हैज डी सी ए पी, क्या बन जाएगा, राम हैज डी सी ए पी। फिर एक और बार डिलीट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, राम हैज कैप, क्या होगा, राम हैज कैप, क्लियर है। ये देखो, मैंने पूरा समझा दिया, ये तो सिर्फ मैं आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है वो समझा रही हूँ, अपना अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। मैंने ये पॉइंट पहले ही लिखवा दिया था कि यहां पर क्या कंक्लूजन निकला, कि एक, यहां पर बोल रहे हैं वन और टू बेस चेंजेस करने से यहां पर हमारा जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाता है, राइट। वहीं पर हमने तीन को ट्रिपलेट के फॉर्म में निकाल दिया, तो रीडिंग फ्रेम जो है वो फिर से क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, क्या हो जाता है, रिकवर, है ना। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो फटाफट इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए। तो वन और टू में अगर हम चेंजेस करते हैं तो हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन से, ओके। चलिए अब देखिए, हाउएवर सच म्यूटेशन आर रिफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन, ठीक है। इस प्रकार की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, क्योंकि इंसर्शन की वजह से फ्रेम शिफ्ट हुआ, या क्या बोल सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन, राइट। आप देखिए, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडॉन, हैंस वन और मोल मल्टीपल अमाइनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनऑल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड। तो इनका कहना है कि अगर आपने बेस पेयर को ट्रिपलेट के फॉर्म में ऐड करा है या डिलीट किया है, तो यहाँ पर वो अमाइनो एसिड को कोड करेगा, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा, और रीडिंग फ्रेम जो है वो अनऑल्टर रहेगा। क्यों, देखिए, अगर मैं बात करूँ कि राम हैज रेड कैप,
क्या है, रेड कैप. अब मैंने यहाँ ट्रिपलेट में एडिशन किया है, ट्रिपलेट के फॉर्म में, ट्रिपलेट में एडिशन किया है या मल्टीपल ऑफ थ्री में एडिशन किया है. एडिशन ऑफ थ्री बेस पेयर, बेस है ना. तो यहां पर अब देखिए क्या होगा, राम हैज बिग, मैंने बिग ऐड किया, तीन जो है वो क्या है, बिग, तीन बेस जो है वो क्या है, बिग. तो मैंने यहां पर बिग को ऐड किया, ठीक है. तो राम हैज बिग रेड कैप. तो देखिए यहां पर सिर्फ एक ये ऐड हुआ है, बाकी रीडिंग फ्रेम तो सेम है, राम हैज रेड कैप. बस इसके इंसर्शन से ये क्या हो गया, यहां पर ऐड हो गया, राम हैज बिग रेड कैप. तो आपको ऐसा रीडिंग फ्रेम में चेंज देखने को नहीं मिला, राइट. तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं. आई होप अभी तक आपने वीडियो को, सारे बच्चों ने लाइक कर दिया होगा. तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा. तो आप हमें अपने यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल. तो यहाँ पर आपने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए और आप डेली बेसिस पर वीडियोस जो प्रीमियर्स हैं एंड लाइव सेशन हैं वो अटेंड कर सके और डेली बेसिस पर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं बिल्कुल स्मूथ तरीके से. इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर. तो क्या करना है, आपको सिंपली जाना है गूगल या क्रोम पर और वहां पर टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स. जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज देखेगा और इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट. स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर हमने स्ट्रीम वाइज कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट बनाई है. जैसे कि हम बात करें साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, और इस कंप्लीट कोर्स में इंक्लूड रहेगा आपको हर एक क्लास की पूरी प्लेलिस्ट. और इस प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, वो है आपका एनसीईआरटी पार्ट पूरा, उसके साथ एडवांस थ्योरी जो ज़रूरी है आपके लिए वो भी इंक्लूड रहेगी, और इसके अलावा आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन. इन सब के थ्रू आप अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट बनाने वाले हैं और आपका सिलेबस जो है, आपका कोर्स काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होगा. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप. आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ. उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल. हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहते हैं. अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है. तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है. किसकी, CBSE बोर्ड की. क्या सिर्फ CBSE बोर्ड की तैयारी कराते हैं, क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन के प्लेटफॉर्म से तैयारी नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन CBSE बोर्ड के साथ इंक्लूड करता है स्टेट बोर्ड्स को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड. इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है. जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन. आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो. तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.